जो हमारा विषय उसको अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा यहाँ पर शब्द आया हुआ वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण की परिभाषा के बारे में जानते हैं। वर्ण वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि को वर्ण या अक्षर कहते हैं। यानी कि जो वर्ण है वह हमारी भाषा की सबसे छोटी इकाई है, वह छोटी ध्वनि है, जिसको क्या कहते हैं? हम वर्ण कहते हैं। वर्ण का दूसरा नाम अक्षर है, यानी कि हम वर्ण को क्या भी कह सकते हैं? अक्षर भी कह सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा वर्णमाला। किसी भाषा में प्रयुक्त होने वाले सभी वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी कि ये जो वर्णमाला है वो किससे बनती है? जो हमारे वर्ण होते हैं उनके जो क्रमबद्ध, यानी कि जो कंटिन्यू होता है एक प्रॉपर तरीके से, उनको क्रम में लिखा जाना क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। इसके बाद आते हैं हमारे वर्ण के भेद। वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के दो भेद होते हैं, एक होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। इसके बाद हम इनकी परिभाषा के बारे में जानेंगे। स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण अन्य वर्ण की सहायता के बिना होता है उन्हें स्वर कहते हैं। यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण हम बिना किसी की सहायता के करते हैं, यानी कि जिनको बोलते समय हमें किसी की भी सहायता नहीं लेनी पड़ती है, वो भी क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वर को बोलते हुए हमें किसी भी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, ठीक है। तो हिंदी वर्णमाला में हमारे शब्द कितने होते हैं? 11 होते हैं। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। अब हम इन जो वर्ण हैं वो कौन कौन सी होते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। वर्ण हमारे होते हैं अ, आ, ई, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारे होते हैं हिंदी में 11 स्वर। अब इन स्वरों की मात्राएं होती हैं, तो सबसे उसके बाद हम देखते हैं मात्रा। मात्रा किसे कहते हैं? स्वर के बदले रूप को मात्रा कहते हैं। यानी जो स्वर है हमारे, इनका बदला हुआ रूप होता है, उसको हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। हिंदी में 10 मात्राएं होती हैं। हिंदी में कितनी मात्राएं होती हैं? 10। तो अब प्रश्न यह उठता है कि अब हमने स्वर तो पढ़े हैं 11 और मात्राएं होती हैं हमारी 10, तो हम जानते हैं कि किसकी मात्रा नहीं होती। यानी कि विशेष बात यह है कि जो हमारे स्वर होते हैं उसमें जो हमारा पहला स्वर होता है अ, अ की कोई भी मात्रा नहीं होती है। हमें ये विशेष रूप से याद रखना है कि अ की कोई मात्रा नहीं होती है। इसके बाद जो बाकी हमारे वर्ण बचे हैं अ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये जो बाकी हमारे 10 जो वर्ण बचे हैं इनकी मात्राएं होती हैं। जो 11वां हमारा होता है इसकी मात्रा नहीं होती है। इसके बाद अयोगवाह। वर्णमाला में ये जो हमारा अंग है इसको हम क्या बोलते हैं? अनुस्वार। इसको हम क्या बोलते हैं? अनुस्वार। और अ, अ है की आवाज आ रही है इसके पीछे अ, तो ये हमारा क्या है? विसर्ग। तो ये क्या कहलाते हैं? अयोगवा कहलाते हैं। जो ये अयोगवा होते हैं ये अ और ए जो दोनों हैं, ये स्वर और विसर्ग, ये ना ही तो स्वर है और ना ही व्यंजन है। यानी कि जो हमारा ये अ दिख रहा है अनुस्वार और ये विसर्ग दिख रहा है, ये हमारे ना ही स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। इनको क्या कहा जाता है? अयोगवा। इसके बाद हम आ जाते हैं व्यंजन पर। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन की परिभाषा के बारे में जान लेते हैं। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात यहाँ क्या बताया गया है कि स्वर तो बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं, लेकिन जो व्यंजन होते हैं उनका उच्चारण करते हैं, उनको बोलते हैं, तो हमें किसकी सहायता लेनी पड़ती है? स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। यानी कि जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है? स्वरों की जरूरत पड़ती है, वो उनकी सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन के मुख्य तीन भेद हैं। यानी जो व्यंजन है उसके कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हमारा स्पर्श व्यंजन, उसके बाद है हमारा अंतस्थ व्यंजन, उसके बाद है हमारा ऊष्म व्यंजन। ये हमारे व्यंजन के तीन भेद होते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं स्पर्श व्यंजन के बारे में। स्पर्श व्यंजन के नाम से ही पता चलता है कि स्पर्श, स्पर्श का क्या अर्थ होता है? छूना। स्पर्श का अर्थ होता है छूना। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है उन्हें क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन।
ये ऐसे व्यंजन हैं जिनको जब हम बोलते हैं तो जो हमारी जीभ है वह मुख के जो अलग अलग भाग हैं उनको स्पर्श करती है, यानी उनको छूती है, टच करती है। ये कौन कौन सी होती हैं? इन्हें पांच वर्गों में बांटा गया है। इनको स्पर्श व्यंजन को पांच वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? जैसे कि हमने यहाँ लिखा हुआ है कि वर्ग, व्यंजन, उच्चारण, स्थान और उनका नाम, यानी कि कौन कौन से वर्ग हैं, पांच वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है हमारा क वर्ग। क वर्ग में हमारे क, ख, ग, घ, ड, यानी कि ये पांच हैं। हमारे हर वर्ग के अंदर पांच ही वर्ग हैं और हर वर्ग के अंदर एक प्रत्येक के अंदर हमारे पांच ही व्यंजन हैं। तो हमारा क वर्ग में कैसे लेकर ड तक हमारे आते हैं, जिनका उच्चारण स्थान है वो है कंठ, यानी कि जो क वर्ग है उनका उच्चारण स्थान क्या है, हमारा कंठ। और उस जो उसका नाम दिया गया है वो भी क्या है, कंठ, यानी कंठ वर्ग में हमारे आते हैं क से लेकर ड तक। इसके बाद है हमारा च वर्ग। च वर्ग के अंदर हमारे आते हैं च, छ, ज, झ, ञ, यानी कि ये जो हमारे च से लेकर ञ तक आते हैं इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है तालु। जब हम उनको बोलते हैं देखो च, छ, यानी कि जो हमारी जीभ है वो किसको स्पर्श कर रही है, तालु को स्पर्श कर रही है। इसका हमें नाम दिया है तालव्य। इसके बाद हमारा आता है ट वर्ग। ट वर्ग, ट वर्ग में भी पांच ही व्यंजन है, ट, थ, ड, ढ, ण, यानी कि इनमें जब हम इन व्यंजनों को बोलते हैं तो हमारी जो जीव है वो किससे स्पर्श कर रही है, मूर्धा से। मूर्धा से इसको हमने नाम दिया है मूर्धन्य। ठीक है, जब यानी कि जीव है वो स्पर्श व्यंजनों में किसी ना किसी अलग अलग भाग से हमारे स्पर्श कर रही है। इसके बाद हम आता है हमारा तवर। तवर में त, थ, द, थ, न, यानी त से लेकर और न तक के जो हमारे व्यंजन हैं उनको जब हम उच्चारण करते हैं, उनको जब हम बोलते हैं तो हमारी जीभ है वो कहाँ टकराती है, किसको स्पर्श करती है, दांतों से। तो उसका जो नाम रख दिया हमने क्या लिख दिया, दंते, यानी कि ये दंते और इसमें भी आते हैं। इसके बाद हमारा है पवर्ग। पवर्ग में हमारे प, ब, भ, म, यानी प से लेकर म तक के जो हमारे पांच व्यंजन है वो इसमें आते हैं पवर्ग में। और इस पवर्ग का जो जीव है हमारा किसमें टच करती है, ओठ में, हमारे ओठ आपस में टकराती है, इसका हमने ओष्ठ नाम रखा है। यानी देखो जब हम बोलते हैं प, ह, ऐसे बोलेंगे तो हमारे जो ओठ है वो आपस में टच कर रही है, साथ में हमारी जीव है, अभी हमारा स्पर्श व्यंजन। इसके बाद आता है नेक्स्ट है हमारा अंतस्थ व्यंजन। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है अंत्य का मतलब होता है भीतर, ठीक है, और स्थित का मतलब होता है स्थित। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीव मुख के भीतर किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। यानी कि जब हम जिन वर्णों का उच्चारण कर रहे हैं तो जो हमारी जीव है वह मुख के अंदर ही अन्य भागों को पूरी तरह से स्पर्श यानी पूरी तरह से नहीं छू रही है, उनको हम क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं चार। ये कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। देखो जब हम इनका उच्चारण करते हैं य, यानी कि जीव हमारे जो तालु है उसको छूते छूते रह जाती है, र, र में भी नहीं टच कर रही है, ल और व, यानी इनके अंदर जो हमारी जीव है वो स्पर्श करने को होती है लेकिन पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं कर रही है। इसके बाद आता है हमारा उष्म व्यंजन। उष्म का मतलब होता है उष्मा। उष्मा मतलब गर्म हवा, गर्म वायु या हवा। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से बाहर उष्मा निकलती है, उष्मा मतलब जो गर्म हवा है वो बाहर निकलती है, उन्हें क्या कहते हैं, उष्म व्यंजन कहते हैं। उष्म व्यंजन कौन से होते हैं? उष्म व्यंजन भी चार होते हैं। पहला होता है श, श, स, ह, ये हमारे चार होते हैं उष्म व्यंजन। इसके बाद इस प्रकार हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर, 11 स्वर कौन कौन से होते हैं, जो हमारे अ से लेकर औ तक होते हैं वो हमारे होते हैं 11 स्वर। उनकी 10 मात्राएं होती हैं, अ की कोई मात्रा नहीं होती। तथा इसके बाद आता है हमारे व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। व्यंजनों की संख्या है वो हमारे हिंदी में 33 होती है। कौन कौन से होते हैं? देखो जब हमने
स्पर्श व्यंजन पढ़ा तो उसके अंदर पांच वर्ग थे और प्रत्येक के अंदर पांच ही हमारे वर्ण थे। तो पांच से पांच को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे हो जाते हैं कितने, 25। उसके बाद जो ये चार हैं हमारे, ये इसके बाद हैं हमारे जो ये वाले चार, यानी के 25 तो हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं, चार हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं और चार हमारे उष्म व्यंजन होते हैं। तो ये होगी हमारे टोटल कितने हो गए, 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो जो हमारे उसके बाद बच जाते हैं वो हमारे क्या होते हैं, उनको हम देखते हैं संयुक्त व्यंजन। जिन व्यंजनों के दो व्यंजनों के मेल से बने जो वर्ण होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। यानी संयुक्त व्यंजन के अंदर जो हमारा पूर्ण रूप से संयुक्त व्यंजन होता है उसके अंदर कितने व्यंजन होते हैं, उसके अंदर दो व्यंजन निहित होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, जो हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं इनकी संख्या भी चार होती है। जैसे हमारा यहाँ हमने लिखा हुआ इनकी संख्या चार होती क, देखो यहाँ क जिसको नीचे हमने ये छोटा सा हलंत लगाया हुआ मिलता है, इसका मतलब जो हमारा क है ये क्या है, स्वर रहित है। यानी कि इस क के अंदर हमारा जो अ स्वर लगता है वो नहीं है। और ये शय हमारा कोण वाला शय यहाँ पर आया हुआ है, इन दोनों को मिलाकर हमारा बनता है कश्य। इसके बाद हमारा आता है ग, ज और ये से बना हुआ है ये, देखो इसके नीचे भी हमारा हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब ये ज है, ये हमारा आधा है, ये स्वर रहित है, तो ये बनता है ग। इसके बाद तय, तय के नीचे भी यहाँ हलंत है, ये हमारा स्वर रहित है और रह पूरा है, क्या बन गया हमारा, त्रय। ये हमारा शय, संगम वाला शय, इसको भी नीचे हलंत आया हुआ है और रह तो हमारा बन गया श्रय। इनसे हमारे, मैं एक बार शब्द बना के आपको दिखा रही हूँ, जैसे कि ये हमारा शय है, जैसे हमारा शब्द बन गया शिक्षा परीक्षा, उसके अंदर ये हमारा आया। उसके बाद है ये गय, जैसे ज्ञानी विज्ञान। इसके बाद हमारा तैसे त्रिलोक त्रिशूल, जो भी आप शब्द बनाना चाहें, शैशे शैमिक, ये हमारे इनसे शब्द बनते हैं। यानी कि जो हमारे संयुक्त व्यंजन है उनकी संख्या भी कितनी होती है, चार होती है, कश्य ग्य त्र और शय। इसके बाद आता है हमारा द्वितीय व्यंजन। द्वितीय व्यंजन के बारे में हम जानते हैं, जब एक व्यंजन अपने समरूप व्यंजन से मिलता है, यानी समरूप व्यंजन से मतलब समान रूप से, यानी वो दिखने में बिल्कुल समान रूप है उनका, वो एक जैसे लगते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, द्वितीय व्यंजन कहते हैं। द्वितीय व्यंजन में पहला व्यंजन स्वर रहित होता है, यानी कि जो द्वितीय व्यंजन होता है उसके अंदर दो एक जैसे होते हैं, समान रूप वाले होते हैं, तो जो पहला होता है व्यंजन हमारा वो स्वर रहित होता है। जैसे हमने लिखा है यहाँ पर सच्चा, तो देखो ये हमारा च पूरा है, ये आधा च है, तो इसका मतलब इसके अंदर स्वर नहीं है। ये देखो चक्कर, चक्कर के अंदर भी हमारा जो ये पहला क है ये आधा है। पक्का में भी इसी प्रकार, पत्ता धक्का मुक्की इन सब के अंदर, जिसके अंदर भी ये आधा हमारा जो व्यंजन आता है ये स्वर रहित होता है और दूसरा होता है वो हमारा स्वर युक्त होता है, यानी स्वर से पूर्ण होता है। इसके बाद हमारा आता है अनुस्वार। किसी भी वर्ण के ऊपर लगने वाले बिंदु, यानी जो हमारा बिंदु ऊपर लगाया जाता है उसको क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। जैसे अंग, पंकज, भंग, संग, बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनके ऊपर हमारी क्या लगती है, बिंदी लगती है, उसको हम बिंदु को क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा अनुनासिक। वर्ण के ऊपर लगने वाले चंद्र बिंदु, जो हम जिसको चांद बिंदु बोलते हैं उसको हम क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। जैसे गांव, मांग, और भी हमारे ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनके ऊपर क्या लगता है, चांद बिंदु लगता है। विसर्ग, विसर्ग क्या होता है, वर्ण के बाद लगने वाले बिंदु, यानी विसर्ग के बाद जो दोहरा बिंदु लगता है ऊपर नीचे का, उसे क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। जैसे पुनः, अतः, प्राय, छ, यानी काफी शब्दों में हम इसको यूज करते हैं, जो इसकी जो आवाज होती है, इसका आवाज में हमें है की आवाज सुनाई देते हैं। जैसे प्राय, पुनः, तो हम इसको बोलते हैं, इसके अंदर हमें है की आवाज सुनाई देती है। तो ये तो था हमारा वर्ण और मात्राएं नाम का जो हमारा विषय था, जो हमारा व्यंजन का टॉपिक था। यहाँ कहीं भी किसी भी बच्चे को कुछ भी समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।
Thank you.